दोस्तों, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य आपको करंट अफेयर से जुड़े नवीनतम प्रश्नों से परिचित कराना है, जो अक्सर UPSC, स्टेट PSC, SSC, IAS, PO, UGC नेट, NDA और CDS, बैंकिंग और रेलवे आदि परीक्षाओं में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। इसके माध्यम से नवीनतम करंट अफेयर प्रश्नों की प्रगति को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज संकलित प्रमुख 10 प्रश्नों में से प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप किस देश की धरती पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं? विकल्प ए है दक्षिण कोरिया, विकल्प बी है उत्तर कोरिया, विकल्प सी है ब्रुनेई और विकल्प डी है चीन। तो इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा होगा? इसका सही आंसर है विकल्प बी यानी उत्तर कोरिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जून 2019 को उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात कर प्योंगयांग की जमीन पर पहली बार कदम रखा। आपको बता दें, पूर्व दुश्मन देश की धरती पर पहुंचने वाले वह पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इस ऐतिहासिक क्षण के दौरान ट्रंप दक्षिण और उत्तर कोरिया को बांटने वाली कंक्रीट की सीमा पर पहुंचे, जहां किम उनका स्वागत करने आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को असैन्यीकृत क्षेत्र यानी DMZ में ऐतिहासिक मुलाकात के लिए न्योता दिया। ज्ञात हो कि असैन्यीकृत क्षेत्र यानी DMZ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करता है। अगला सवाल है दोस्तों, दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर किस अनौपचारिक बैठक की अध्यक्षता की? विकल्प ए है G20, विकल्प बी है G5, विकल्प सी है RIC और विकल्प डी है ब्रिक्स। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर किस अनौपचारिक बैठक की अध्यक्षता की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विकल्प सी यानी RIC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर RIC, जिसमें रूस, भारत और चाइना शामिल हैं, इनकी औपचारिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी नेता शी जिनपिंग ने भाग लिया। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए इन देशों के नेतृत्व के स्तर पर बातचीत का अत्यधिक महत्व होता है। आपको बता दें कि जापान के ओसाका में आयोजित G20 सम्मेलन में RIC यानी रूस, इंडिया और चीन सदस्यों ने बैठक की। RIC में PM मोदी ने आतंकवाद, जलवायु समेत कई मुद्दों पर बात की। बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद थे। ज्ञातव्य है कि इस समूह में दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत, रूस और चीन का गठबंधन का एक ये ग्रुप है RIC। तीसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान कितनी पुल आसाइड मीटिंग संपन्न की? विकल्प ए है 10, विकल्प बी है 4, विकल्प सी है 8 और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है विकल्प डी यानी 8 पुल आसाइड मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने जापान यात्रा के दौरान की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान जो 8 पुल आसाइड मीटिंग की, उन देशों के नाम है थाईलैंड, वियतनाम, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, फ्रांस, इटली, सिंगापुर और चिली के नेताओं के साथ इन्होंने 8 पुल आसाइड मीटिंग की। पुल आसाइड मीटिंग यानी सार्वजनिक स्थल पर निजी बैठकों को पुल आसाइड मीटिंग कहते हैं। इसके अलावा वह G20 के 4 सत्रों और एक सामुदायिक आयोजन में भी सम्मिलित हुए। चौथा सवाल है, नासा द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विकल्प ए है S2967C, विकल्प बी है L2122, विकल्प सी है L9859B और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना सबसे छोटा हाल ही में नासा द्वारा खोजा गया ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो ग्रह है L9859B, यानी कि इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी। नासा जो एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ने ट्रांजिट एक्सप्लो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी ट्रांजिट एक्सप्लो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS ने हाल ही में 3 नए ग्रहों की खोज की है। इनमें से एक ग्रह नासा द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे छोटा ग्रह है, जिसे L9859B नाम दिया गया है। कम तापमान वाले इस नजदीकी तारे की परिक्रमा करने वाला L9859B जो ग्रह है आकार में मंगल से बड़ा किंतु पृथ्वी से छोटा है। L9859B के अलावा 2 अन्य ग्रह भी उसी तारे की परिक्रमा करते हैं। पांचवा सवाल है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किन लोगों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सहायता की घोषणा की है?
विकल्प ए है सेना के शहीद जवान, विकल्प बी है लोकतंत्र सेनानी, विकल्प सी है स्वतंत्रता सेनानी और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किन लोगों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सहायता की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विकल्प बी यानी लोकतंत्र सेनानी। आपको बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने लोकतंत्र सेनानियों या उनके जीवन साथी को 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसके तहत उन्हें निजी या सरकारी अस्पतालों में इलाज मुहैया कराया जाएगा। ज्ञात हो कि लोकतंत्र सेनानी वे लोग होते हैं जिन्हें वर्ष 1975-77 के आपातकाल के दौरान निवारक निरोध कानूनों के तहत जेल में डाल दिया गया था। यानी इमरजेंसी के टाइम पे जिन लोगों के साथ निवारक निरोध कानूनों के तहत जेल में डाला गया उन लोगों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया और उनके लिए ये मनोहर लाल खट्टर ने ये नई स्कीम लॉन्च की है। छठा सवाल है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। विकल्प ए है अशोक गई, विकल्प बी है शरद कुमार सरफ, विकल्प सी है नीरज दिवाकर और विकल्प डी है आशीष मल्होत्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प बी यानी शरद कुमार सरफ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO के शरद कुमार सरफ को अपना नया अध्यक्ष चुना है। शरद कुमार सरफ ने प्रसिद्ध निर्यातक यानी एक्सपोर्टर गणेश कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले गणेश कुमार गुप्ता इसके चीफ थे FIEO के, अब शरद कुमार सरफ नए चीफ होंगे, नए अध्यक्ष होंगे। सातवां सवाल है रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए लीवरेज अनुपात में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की है। विकल्प ए है 4%, विकल्प बी है 5%, विकल्प सी है 3.5% और विकल्प डी है ए और सी दोनों। तो आपको बताना है कि RBI ने बैंकों के लिए लीवरेज अनुपात में कितने प्रतिशत की छूट की है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प डी यानी ए और सी दोनों, यानी 4% और 3.5% दोनों। RBI ने यानी रिजर्व बैंक ने घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों DSIB के लिए लीवरेज अनुपात यानी LR में 4% और अन्य बैंकों के लिए 3.5% की छूट दी है। ऐसा उनकी ऋण गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए किया गया है। कम लीवरेज अनुपात 1 अक्टूबर 2019 से शुरू होने वाली तिमाही से प्रभावित होगा। यानी इसका जो क्रियान्वयन किया जाएगा नया लीवरेज अनुपात है वो 1 अक्टूबर 2019 से इसको यहाँ से प्रारंभ होने वाली तिमाही से इसको प्रारंभ किया जाएगा। आठवां सवाल है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार और विश्व बैंक के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विकल्प ए है केरल, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी है आंध्र प्रदेश और विकल्प डी है सिक्किम। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए यानी केरल राज्य। हाल ही में केंद्र सरकार, केरल सरकार और विश्व बैंक ने प्रथम केरल अनुकूलता कार्यक्रम इसके लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर साइन किए गए हैं। नवा सवाल है सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे में कितनी वृद्धि की है। विकल्प ए है 15,000, विकल्प बी है 20,000, विकल्प सी है 30,000 और विकल्प डी है 25,000। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी यानी 30,000 की हज कोटे में वृद्धि की है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे में 30,000 की वृद्धि की है। जैसे कि मैंने आपको बताया अब तक मक्का में वार्षिक इस्लामिक तीर्थ यात्रा के लिए 30,000 और भारतीयों को जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यानी जो पहले 1,70,000 हज यात्री जा सकते थे अब ये बढ़ाकर 2,00,000 कर दिया गया है। यानी अब जो हज कोटा है वो 2,00,000 यात्रियों के लिए है, हज की तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले जो यात्री है उनके लिए है। दसवां और आज का अंतिम सवाल है अमीरात स्काई कार्गो ने ओमान और कुवैत के कार्गो प्रबंधक के रूप में पहली बार किस महिला अधिकारी की नियुक्ति की है। विकल्प ए है एलियाजे सईद, विकल्प बी है फातिमा अहली, विकल्प सी है असमा जहांगीर और विकल्प डी है ए और बी दोनों। तो आपको बताना है पहली बार महिला अधिकारी की नियुक्ति की है इस अमीरात स्काई कार्गो ने।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों विकल्प डी यानी ए और बी, यानी अलियाजे सईद और फातिमा अहले। अमीरात स्काई कार्गो ने ओमान और कुवैत के कार्गो प्रबंधकों के प्रमुख पदों के लिए पहली बार महिला अधिकारियों अलियाजे सईद और फातिमा अहले की नियुक्ति की है। अमीरात स्काई कार्गो एमिरेट्स का फ्रेट डिवीजन है यानी मालवाहक वाला और 6 महाद्वीपों में 155 से अधिक गंतव्यों के लिए परिचालन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्गो एयरलाइंस भी है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों करेंट अफेयर्स के की तैयारी किसी एक महीने 15 दिन में करने के बजाय अगर आप डेली बेस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर संकलित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि 10 मिनट या उससे कम समय में ही बोले जाते हैं उनको आप डेली बेस पर देखते हैं सुनते हैं तो ये आपके करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये आपकी परीक्षाओं में सफलता निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कारण भी होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो नई वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके सफल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।